हेलो, सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर अदनान बात कर रहा हूँ, अकोड़ा फटाक से। अल्लाहु अकबर, क्या हाल है? बड़े अरसे बाद कोड़ा खटक से हैं। शुक्र है अदनान, सर, क्या आप हाल है? तबीयत ठीक है, सेहत अच्छी है? कैसे? शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक और ठाक। आप ठीक है सर? आपका कैटल फार्म कैसी जा रही है? कैसी गाय सर वाय कैसी हैं, भैंसे? अलहमदुल्ला सर, गाय वगैरह बस सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो आज कैसे याद फरमाया? सर। मैं एक्चुअली जो है तो एक छोटा सा शेड था मेरे पास इसी अपनी जगह पे, तो उस पर मैंने जाल शाल लगाया है। तो मैं जा रहा था कि उसमें मैं या ये गोल्डन मिस्री मुर्गी या ये जो लियर होती है ना सर, तो हाँ, मैं उसको सर स्टार्ट करना चाह रहा था। ऐसे 700-800 मुर्गी मैं खरीदना चाह रहा था ना अभी वेरी एक्चुअली। गुड, वेरी गुड। एक्चुअली एक्चुअली सर वो इसका तो जो चूजे का टाइम होता है वो अप्रैल में होता है ना, अप्रैल में जो चूजा डालते हैं फिर मुर्गी तैयार हो जाती है, हाँ, तो वो तो उस दे टाइम जी उस हाँ टाइम स्किप हो गया। तो अभी मैं कोई क्या नहीं, अभी करें, बिस्मिल्लाह जी, करें तो अभी अभी। मैं सर चाह रहा हूँ कि कहीं तैयार मुर्गी मिल जाए ना अभी जो। नहीं, अच्छा नहीं तैयार नहीं, अभी भी चूजे भी कर डाल सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है ना। सितंबर अच्छा आगे बड़ा प्यारा मौसम है। अभी अभी अगस्त, आज 18, कितनी, 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त है, और आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पर शदीद जब सर्दी आएगी तो खैर है, उस वक्त तक ये बहुत बड़ी हो गई होंगी। चेक साहब, अभी शुरू, एक्चुअली अभी अगर मिलते हैं तो अभी डालें बिस्मिल्लाह करके अभी तो उसकी। सर होगा, लेकिन वो तो 4-5 महीने में फिर अंडे पे आती है ना ये जो मुर्गियां होती हैं, तो तो अंडा, मैं एक्चुअली सर चाह रहा था कि अगर अभी ऐसे 4 महीने की या ऐसे 4 महीने से थोड़ी बड़ी मुर्गी मिल जाए ना, हाँ वो तो वो देख, सीजन के लिए तैयार हो जाएगी ना, मतलब सर्दी के लिए अंडा देना शुरू कर दे। मेरी जान, वो भी आप देखें, ढूंढे से क्या चीज नहीं मिलती है? बिल्कुल सर। ये सब ढूंढने से, जिसकी जुस्तजू हो इंसान की, कोशिश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मदद फरमाते हैं, और अल्लाह बिल्कुल ताला सर करता है इंशाल्लाह ताला। आप छोटे भी मिल जाए चूजे, चूजे भी स्टार्ट करेंगे तो वो इतने महीनों में वो भी पहुंच जाएंगे। महीने गुजरते हुए जिंदगी होनी चाहिए, पता ही नहीं बिल्कुल चलता सर, वो बड़े पता हो नहीं चल जाएंगे। ठीक है या नहीं? जी सर, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर यह कि तजर्बात भी आपको होते जाएंगे, और मौसम अच्छा है, जी बहुत सर, शदीद सर्दी में जब डालते हैं बच्चे तो फिर उनका फर्क पड़ता है, जी वो मरने वाले हो जाते हैं, और या आपको एक्स्ट्रा वो हीटिंग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, ब्रूडिंग का मसला होता है। जी तो बिल्कुल आजकल सर तो कुदरती तौर पे ही इतना अच्छा मौसम है, बड़ा सब कुछ है मेरी जी। जान, और आप कर सकते हैं, व्हाई नॉट, जहां से मिलते। सर ये इसके अंडे के लिए जो है तो लेयर अच्छी है या ये जो गोल्डन ब्रीड है ये अच्छी है, कौन सी, मतलब गोल्डन देखें, फर्टिलाइजर बेस्ट दोनों है? में, दोनों जो होती हैं, याद रखें, ये ब्रीड्स ऐसी हैं, गोल्डन हो गई या मिस्री हो गई या व्हाइट लेग हार्न हो गई, सफेद वाली जो लेयर्स की बात कर रहे हैं, या और सर भी मैंने, मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसमें मैंने डिफरेंट ब्रीड्स दे रखी हैं। जी सर ठीक है वो, लेकिन जो भी आपको दस्तियाब है, ये खास तौर पे आप गोल्डन और मिस्री की बात कर रहे हैं, और जी जगह जी भी आपके पास है, और अगर उसको फ्री रेंज कर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगी। जी सर फ्री तो सर ये रेंज, आपके पास सर किसी फार्मर का या ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं है जो इसका काम करता हो, जिसके पास फूल अवेलेबल मेरी जान है, क्यों नहीं है, मैं जी सर आपको नंबर उनके दे देता हूँ, जी सर और ये एक नाम तो उनका महबूब है, जी सर और वो अपनी घर वालों के भी महबूब ही हैं, और सही हमारे सर भी महबूब सही बात है हैं। सर, बिल्कुल एंड इज अ वेरी नाइस फेलो, और जी सर वो महबूब साहब का मैं नंबर दे देता हूँ, और जी सर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसका नंबर, उनका, उनको फोन भी कर लेता हूँ। बड़े दिन हो गए हैं जी सर मुझे उनसे बात किए हुए। वो सही है सर इज द बेस्ट सोर्स हैं
जी सर, मेरी नज़र में इस वक्त आपको एक तो रहनुमाई भी मिल जाएगी, दूसरा ये एग्जैक्टली है कि उनका आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें। सही महबूब सर, साहब, एक मिनट, मुझे लेट मी सर्च महबूब। तो ये मेरे पड़ो मतलब मेरी गली में ही होते थे, ये सर एंड इस्लामाबाद में होते हैं सर। इस्लामाबाद में है महबूब चलिए अच्छा है महबूब। सर, जरा करीब भी पड़ जाएगा ना अगर यहाँ पे हो तो। हाँ, नहीं उनसे बात कर लें। 0301 जी सर 5350 जी सर, 996। 5350996, हाँ, ये ठीक है है सर 0301 5 जी, थ्री फाइव जीरो जीरो डबल नाइन सिक्स सही है सर, ये 5350 एक तो मेरे डबल पास नाइन सिक्स उनका ये नंबर है। जी सर। दूसरा एक, हाँ यही है, पता नहीं ये दो नंबर कैसे है, ये दो दफा सेफ हो गया होगा सर। दो दफा सेव हो गया, लेकिन लेट मी टॉक टू हिम, अभी उनको बेल गई है तो अच्छा सर अभी देखता हूँ। हमारे वो मस्जिद है ना, जी, मस्जिद, हमारी मस्जिद है कुबा, अब उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा सर ये मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने हमारी, वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है, जी मस्जिद सर, अहले हदीस है, बड़ी अच्छा अच्छी अच्छा है। सर तो वो उनके बिल्कुल सामने है महबूब साहब का घर है। तो सही है ये सर, इन्होंने किया तो मास्क आई इज नॉट आंसरिंग, वो कहते जी द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग। कोई बात जी नहीं सर मेरी जान, आपको नंबर मैंने दे दिया, आप ट्राई करते रहें। मैंने बहरहाल आपके लिए, मैंने कहा चलें इसी वस बहुत शुक्रिया सर, मैं थैंक यू कर सो लेंगे, मच, ठीक मैं इनके है। साथ सर और कांटेक्ट में इधर रहता हूँ। पीआरआई का भी एक है, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी जी सर गोल्डन मिश्री के, वहां से भी आपको, वहां से तो आपको अंडे भी मिल जाते हैं, वहां से आपको ये बर्ड्स भी मिल जाएंगे। वो सेट्स दे देते हैं, पांच पांच मुर्गियां, एक मुर्गा या कोई इस तरह का है वो, अच्छा गवर्नमेंट सर, वो भी है। आपके केपीके में भी होंगे, अगर आप चाहेंगे तो केपीके का, अगर चाहते हैं नंबर तो मैं जी सर आपको केपीके का, जी जो खास तौर पे लाइफ स्टॉक के या पोल्ट्री के साथ जो डील कर रहे हैं ना, वो जी है अदारा आपका है खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंसेज पिशावर। ठीक है सर, उसका भी अगर है कांटेक्ट तो वो दे देंगे, मेरी जान वो उनका उसको एक, विजिट करना पड़ेगा सर। वो विजिट कर लें उनको, पहले थोड़ी पश्तो आती है ना आपको, तो पश्तो बोलते हैं। ये सर किस जगह पे है पेशावर में? हरिचंद, ये हरिचंद एक जगह है, हरिचंद। अच्छा हाँ, सर, ये आउट स्टेशन है काफी, ये फिर ऊपर है ज्यादा, ये एजेंसीज की तरफ आता है। एजेंसीज की तरफ आता है, जी, वेटरनरी साइंसेज पिशावर है, हरिचंद जगह है। और जी ये लिख लें 091, तो इनका कोड है पिशावर का, सर, तो 091-2853, दोबारा से जरा बता दें प्लीज। जीरो जी नाइन नाइन वन वन जो है ये कोड है, और जी जी आगे लिखें 2583 जी सर, 429, ठीक 429, ठीक हो गया सर है। जी सर, इनसे अगर करीब से मिल जाए चीज तो वो भी बेहतर है, ना हो तो पीआरआई आप जाएंगे, पिशावर, पिशावर कह रहा हूँ, पिंडी में है जी ये, सर इसका ये है पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट पीआरआई। PRI, ठीक है हाँ, सर पीआरआई आप गूगल में भी जाएंगे तो यू विल फाइंड जी पीआरआई सर या पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, और सही है सर, उनका, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां ठीक है से सर आपको हो सकता है कि मिल जाए। और मिल जाए मैं आई विल से कि जी ये सर, डुअल पर्पज है, अंडे भी लिए जाते हैं और गोश्त भी लिया जाता है,
गोश्त भी लिया जाता है, हाँ सही तो है सर। दोनों पर्पस के लिए आप रख सकते हैं, अंडे भी लें और गोश्त भी बेचें। ज्यादा से ज्यादा पैसा जो जल्दी कमाया जाता है वो तो गोश्त आप में गोश्त में, ब्रायलर गोश्त वाला जो है ना सर। ब्रायलर वाला क्विक रिटर्न है, और अंडों वाले में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन है कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। मेरी ये डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं पोल्ट्री पे, वो देख लें, ठीक है सही ना? है सर। और जी जी मेरी सर मेरी बिल्कुल, जान हाजिर हाजिर, ठीक है? ठीक और है सर, बहुत पूरे बहुत अकोड़ा खटक वालेकुम को, पूरे अकोड़ा खटक को सलाम, ठीक है? अस्सलाम सर, बहुत ओके, मेहरबानी सर, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 21, सूरा नंबर 29, आयत नंबर 45। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बदी से, लिहाजा नमाज पढ़ो। ये अनवान है, नमाज पढ़ो। दुआओं में याद रखें, फीमानला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।